शाम के 7:30 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंदुत्व का झंडा बुलंद रहे, जी हां, आज का अर्जुन में बात आरएसएस के हिंदुत्व विचारधारा की। भगवा झंडा और आरएसएस प्रार्थना को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम में राष्ट्रगान का नहीं बजाया जाना और तिरंगा का नहीं फहराया जाना आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं वो सच जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का सपना जिसने देखा था, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये हमारा लक्ष्य। वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुसुमार, छोड़ चलो एक शुद्र भावना हिंदू राष्ट्र के तारणा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिनचार रहे न रहे, ये सीखो लेते। अखंड भारत की स्थापना जिसका लक्ष्य था, सबके माता भारत माता है, सबके पूर्वज समान है, 40,000 वर्षों से ऐसा डीएनए का विज्ञान आज कहता है, सबके जीवन के ऊपर भारतीय संस्कृति के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलते सर्वत्र। जो भारत को देश नहीं भारत माता मानते थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस के संस्थापक, उनके बारे में जो बातें देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विजिटर बुक में लिखी, वो देश के लिए डॉक्टर हेडगेवार की अहमियत बताने के लिए काफी हैं। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, मैं आज यहाँ भारत माँ के महान सपूत केशव बलिराम हेडगेवार जी को आदर और श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। कांग्रेस के संकट मोचक रहे प्रणब मुखर्जी के हाथों से लिखा एक एक शब्द आरएसएस की अवधारणा की स्वीकार्यता की गवाही दे रहा है। नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज आइडेंटिफिकेशन विद वन्स ओन नेशन एंड सपोर्ट फॉर द इंटरेस्ट्स, स्पेशली टू द एक्सक्लूशन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ अदर स्टेट्स। पेट्रियोटिज्म इज डिफाइंड as devotion to and vigorous support for one's own country। अब विवाद करने वालों को कुछ मिला नहीं तो देखिए कैसा विवाद खड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भाग लेने के बावजूद भी पूरे कार्यक्रम में ना तो राष्ट्रगान बजा और ना ही कहीं तिरंगा फहराया गया। सवाल उठाने वालों में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, विडंबना देखिए, स्वघोषित राष्ट्रवादियों का सम्मेलन, राष्ट्रवाद पर चर्चा, पूर्व राष्ट्रपति मेहमान, लेकिन न मंच पर राष्ट्रीय ध्वज दिखा, न ही कार्यक्रम में राष्ट्रगान हुआ, बाकी खुद अर्थ निकाल लीजिए। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने लिखा, संघ 3 बार कांग्रेस सरकार द्वारा बैन किया जा चुका है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने संघ पर बैन लगाया था। पटेल ने गोलवलकर को लिखकर कहा था कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी थी, अगर मुखर्जी संघ को ये याद दिलाते तो बेहतर होता। आरएसएस के विरोधियों की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब जानने से पहले हम आपको उस विवाद से रूबरू कराते हैं जिसमें कांग्रेस की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस के मंच से आरएसएस को नसीहत दी है। श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस और देश को ये बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है। प्रणब मुखर्जी का जो भाषण रहा वो उसमें कांग्रेस के लोगों के लिए ज़्यादा नसीहत थी, जबकि संघ के लिए उसकी जो भूमिका है उस भूमिका का एक प्रकार से पुनरुच्चार था। और इसलिए कांग्रेस के लोगों ने यह समझना चाहिए कि जो संघ को लेकर के वो अलाभ अनर्गल बातें अभी तक कह रहे थे उससे वो बाज आए, संघ के विचारों को, राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहा, संघ भी वही बात करता है। यानी आरएसएस का मानना है कि प्रणब मुखर्जी ने जिस राष्ट्रवाद का जिक्र किया आरएसएस उसी राष्ट्रवाद पर काम करता है। खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में कहा था कि संघ डेमोक्रेटिक माइंड वाला संगठन है और विविधता में एकता की जो परंपरा है उसका पालन करता है।
संघ ने यही विचार किया है, संघ सबको जोड़ने वाला संगठन है, समाज में संगठन संघ को नहीं करना है, समाज का ही संगठन संघ को करना, क्योंकि संगठित समाज ही भाग्य परिवर्तन की कुंजी है। सौहार्द का, सौमनस्य का, सबको समझ लेने का, आज की भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक माइंड। अब आइए राष्ट्रगान वाले विवाद पर, तो पहले संघ की ये प्रार्थना सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। इसका मतलब है कि मातृभूमि को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ, हिंदू भूमि तूने सब कुछ देकर मुझे बड़ा किया है। कहने का मतलब ये कि आरएसएस की शाखा में रोज होने वाली ये प्रार्थना पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित है, यानी ये प्रार्थना किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये किसी संगठन की पूजा नहीं है, बल्कि आरएसएस अपने कायदे कानून के हिसाब से भारत भूमि की पूजा करता है। अब बात करते हैं ध्वजारोहण की। आरएसएस के कार्यक्रम में यही झंडा शुरू से फहराया जाता है। भगवा रंग का यह झंडा राष्ट्रवाद का प्रतीक है। आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है और उसका अखंड भारत का सपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका से लेकर बर्मा तक का है। यही वजह है कि आरएसएस अपने कार्यक्रमों में हिंदू राष्ट्रवाद का ये भगवा झंडा लहराता है। जहां तक तिरंगे का सवाल है तो पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब तो खुद आरएसएस के प्रमुख स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। इसलिए तिरंगा और राष्ट्रगान को लेकर किया जा रहा विवाद बेवजह है। जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो आरएसएस हिंदुस्तान में जन्मे हर धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को हिंदू मानता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।